मसूर की दाल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं गोश्त और दाल सब्जी मिक्स करके, यानी कि दालचा बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए ऑयल डाल लेते हैं पहले। तेल हमने डाल दिया है, गर्म हो जाए तो इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया है हमने। आग हमारी जो है वो काफी स्लो हो रही है, इसको हमें तेज करनी चाहिए। तो चलिए जी हम चिकन डाल देते हैं इसमें। अदरक हमने डाल दिया है, ये इसमें टमाटर डाल देंगे हम और अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया, तीन चम्मच तकरीबन इसमें पिसी मिर्च डालेंगे, आखिर में नमक। इसको कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा जो है वो भून गया है, हाथ मेरा बहुत जल रहा है। देखिए को हम अपनी जरा सही कर लेते हैं ना, लौकी और मसूर की दाल में। थोड़ा मिक्स कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हम कुछ पानी। अब इसको हम जरा चढ़ा देंगे पकने के लिए और जब तक हरा धनिया वगैरह काट लेंगे। चलो ढक के पकाती हूँ। अब जो है अपना हरा धनिया वगैरह काट लेंगे। आपको देख लेंगे अपनी, क्योंकि आग हमारी बुझनी नहीं चाहिए। अभी माशाल्लाह तेज हुई है एक साइड से और एक साइड से कम हो गई।
वही चालन हम अपना चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए चालन हमारा तो बिल्कुल तैयार पे है। लौकी भी गल गई है और दाल भी हमारी गल चुकी है। उसमें हम पानी डाल देते हैं। नमक हमने थोड़ा तेज ही डाला था इसके अंदर। पानी बहुत है, इसको पकाते हैं धनिया और हरी मिर्च डाल के। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, इसको हम डाल देते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं पूरा। 5 मिनट तक पकाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी रोटी डालेंगे। चालन हमारा बनके हो गया है, बहुत मज़े का बनता है। इसको आप चावल के साथ भी बना सकते हैं। हमारे घर में कल बनेंगे अगर ये बच गया तो चावल। चलिए इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। पाँच मिनट के बाद देखते हैं इसको। सालन हम अपना उतार लेते हैं। देखो माशाल्लाह ये पक चुका है। अच्छे तरीके से तो इसे उतार, रोटी अपनी डाल लेते हैं। चलो रोटी अपनी देख लेते हैं। आटा भी हम आटा बहुत नरम हो चुका है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। इसका मैंने दोबारा पेड़ा बनाया है। बहुत मुश्किल है गैस के बिना रोटी बनाना।
चलो जी, रोटी हमारी बन गई है। तो अब अपना रोटी हमारी बन गई है तो अब हम अपना तवा उतार देते हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको हमारा? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।